भाई क्या हाँ अरे हटो नहीं यार यहाँ से। हमें बोल रहा है। एक सेकंड, कौन हो तुम और क्या चल रहा है यहाँ पर? हम लोग कौन है? दिख नहीं रहा क्या? काम चल रहा है इधर, चलो हटो यहाँ से। फायरिंग लगी? हाँ ठीक है, और फटाफट लगा भाई। और एक बात सुन लो, तुम लोग सभी के सभी आज ही के आज उड़ाना है, पूरा का पूरा एक ही बारी में, समझे क्या? ये कहीं हमारी चौल को उड़ाने की बात तो नहीं कर रहे? एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए, नीचे कीजिए। क्या उड़ाना है और किसने कहा उड़ाने को? मालिक ने कहा। कौन है तुम्हारा मालिक? हमारा मालिक छोड़ो भाई साहब, इस चौल का मालिक बोलो शिवाय सिंह ओबराय, उसी के ऑर्डर है। और अभी ये ना खोटी दिमाग की मत करो, समझे क्या? फटाफट चलते बनो यहाँ से, चलो। ओके जस्ट स्टॉप दिस राइट नाउ। ओके स्टॉप इट। क्या रुक जाए? तुम क्या शिवाय सिंह ओबराय हो जो तुम्हारे ऑर्डर्स मान ले? मैं डैम राइट दैट्स मी। क्या बोला? वहां शिवाय सिंह ओबराय बन के नहीं जाएगा, तुझे अपनी पहचान छुपानी होगी ताकि तू शिवाय सिंह ओबराय होने का फायदा ना उठा सके। दादी अब चिंता मत कर, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं शिवाय सिंह ओबराय। देखो शिवाय सिंह ओबराय से मैं बात कर लूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। अभी दिमाग की खोटी मत कर, यहाँ से निकल फटाफट, समझा क्या? रिलैक्स, मैंने कहा मैं उनसे बात करूंगा। अरे हट जा यार। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पति को हाथ कैसे लगाया? क्या स्टॉप इट, एक तो आपको धक्का दिया इसने, क्या स्टॉप इट? दिस इज काम डाउन। नहीं कुछ काम डाउन नहीं, कुछ ओके नहीं। एक तो हमारी चोर को उड़ा रहे हैं, ऊपर से आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस छुचोरे को तो मैं छोड़ूंगी। कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ नहीं करोगी। लेट मी हैंडल दिस। ओके मैम सुनिए। अरे भैया सुनने सुनाने का टाइम चला गया, समझ गया? ए देखो तुम, ना तीन का ना तेरह का फिर भी उछल रहा है। आप बता क्यों नहीं देते? क्या कौन है? मैं नहीं कर सकता ये, मैंने दादी से प्रॉमिस किया था। नहीं आइडेंटिटी किसी को बताऊंगा नहीं मैं। आप नहीं बता सकते ना? मैं तो बता सकती हूँ ना। ए तुम्हें पता है कौन है? कौन है? ये है इस चौल में रहने वाला एक आम आदमी। शर्त हारना नहीं चाहता अनिका, चिंता मत करो। क्या कर रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है यार वो डायनामाइट है, हट यहां से। मैं यहां से नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को इस चौल को गिराने नहीं दूंगा। अभी तू ईड़ा है क्या? साबित क्या करना चाह रहा है तू? हाँ यही कि मैं एक आम आदमी हूँ, इसीलिए आम आदमी की तरफ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आम आदमी है तू। देख भाई आज की डेट में एक सीधी बात समझ ले, आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी तुझे आम आदमी बनकर ये धरना देने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं और जाके देना भाई, हमें अपना धंधा करने दे, चल चौल गिरानी है। और वैसे भी इस चौल को उड़ाने के ऑर्डर है, तो तेरा ये जो ड्रामा है ना वो हमें रोक नहीं सकता। रोकने के लिए मैं जो चाहे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा मैं एक आम आदमी हूं, तो आम आदमी की तरह ही तुम्हें यहाँ रोकूंगा मैं। भाई साहब तू आम बन है, केला बन, पपीता बन, अरे भैया तू कुछ भी बन ले, लेकिन ये चौल को तोड़ने से तू नहीं रोक पाएगा। ये चौल तो टूट के रहेगी आज, समझा? ये कैसी इज्जत है? आप पता क्यों नहीं देते कि आप कौन है? यही तो पॉइंट है, सब रुकवाने के लिए मैं एक सेकंड रुकवा सकता। इस चौल को गिरा कर बिल्डिंग बनाना मेरा डिसीजन था, एंड इट वाज अ बिजनेस डिसीजन। इस चौल को बचाना भी मेरा डिसीजन है, एंड दैट्स अ पर्सनल डिसीजन। क्योंकि ये चौल सिर्फ एक मकान नहीं है, तुम्हारा घर है अनिका। इससे तुम्हारी और साहिल की यादें जुड़ी हैं। इस छत के नीचे तुम्हें एक फैमिली मिली थी, कैसे इसे टूटने दे सकता हूं? इसे क्या हटाना था मैडम, आप तो खुद भी बैठ गई। आपको हमारे यहाँ बैठने से प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई बड़ी प्रॉब्लम है। तो
तो ठीक है, फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आप लोग का ड्रामा नहीं चलने वाला, समझे? ये चौल तो गिरेगा ही, इसे कोई गिरने से रोक नहीं सकता। अच्छा, इस चौल को तो अब तुम्हारा बाप भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि ये चौल गिरे। बलबीर हटा ही नहीं यहां से यार। How dare you? मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। तू मुझे जिंदा गाड़ेगा? इनकी हाइट पे मत जा। बोलना जरूरी था ये। ये मोटा आपकी हाइट के बारे में मजाक उड़ा रहा है। हाँ, और तुम उसे और अंडरलाइन कर दो। अच्छा ठीक है। सॉरी, अब आप बताइए क्या करेंगे आप इसका? बीच में नहीं आना। मैंने कहा लेट मी हैंडल दिस। मैंने कहा मुझे। मैं कर रही थी ना बात। क्या? ए, रहने दे यार। खामखा मर मरा गया ना तो पुलिस का बेकार का केस हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं बॉस के पास ही लेकर चलता हूँ, वही बताएगा अब इसका करना क्या है। चल जस्ट बॉस। बोलो बॉस। ये आदमी बहुत मचमच कर रहा है, कह रहा है चौल नहीं उड़ाने देगा। कौन है जो शिवाय सिंह ओबेरॉय के काम में दखल दे रहा है? खन्ना सर आप। अरे उल्लू के पट्टों को मैं पता ही कौन है। अरे सर आम आदमी है, और कौन है? अरे आम आदमी नहीं, तुम्हारा बाप शिवाय सिंह ओबेरॉय। अरे बाप रे सर, माफ कर दो सर, बहुत बड़ी गलती है। जाओ यहाँ से तुम लोग, अभी ये चौल नहीं टूटेगी। हाँ नहीं 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 टूटेगी। अरे चलो चलो यार, चलो 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 जल्दी। नमस्ते खन्ना जी। नहीं हेलो मैम। बॉस? नहीं सर, वो तो बस कभी कभार ऑफिस में ऐसे ही। ओके बॉस। नहीं सर ऐसा मत बोलिए प्लीज सर, इससे बड़े तो आप मुझे गोली मार दें सर। चलिए बॉस। बॉस